जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग आज डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में पहली बार आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको टाइम टू टाइम डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, जिससे कि आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किसी भी काम को करने के लिए या कोई भी ड्रीम अचीव करने के लिए हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये कहानी जो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, मैंने भी कहीं सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैंने सोचा कि ये कहानी मैं आप लोगों को भी सुनाऊँ। ये जो कहानी है ये रेलवे स्टेशन की कहानी है, जहाँ पर एक टिकट काउंटर होता है। टिकट काउंटर में एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, एक भीड़ के साथ एक लाइन लगी हुई थी, जहाँ पर कि जो लोग थे उनको कहीं जाना था और वो टिकट काउंटर में टिकट लेने के लिए खड़े थे। तो जो पहला इंसान था वो बहुत देर से लाइन में खड़ा था और जब उसका नंबर आया टिकट लेने के लिए, तो उससे टिकट काउंटर में जो टिकट सेलर बैठा था उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उसने बोला कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, बस आप टिकट दे दो। तो टिकट काउंटर में जो बैठा था उसने बोला कि अरे आप बताओ तो सही आपको कहाँ जाना है, लेकिन वो बता नहीं पाया। तो टिकट काउंटर में जो था उसने बोला कि आप यहाँ से हट जाइए, उसको टिकट नहीं दिया क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। फिर जो उसके पीछे खड़ा था उसका नंबर आया और उससे पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है। तो उसको टिकट मिला और वो ट्रेन में चढ़ गया। तीसरा जो उसके पीछे खड़ा था उससे पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने जवाब दिया कि मुझको भी देहरादून से दिल्ली जाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप सोचिए कि उस टिकट काउंटर में जो बैठा था उसने क्या कहा होगा। तो उसने बोला कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप साइड हो जाइए। उसके बाद जो उसके पीछे खड़ा था चौथा बंदा जो खड़ा था उससे पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, उसने बताया कि मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है और मेरे पास पैसे भी हैं लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। तो उसको भी साइड खड़े होने के लिए कहा गया, कहा कि नहीं आप भी नहीं जा सकते। अब यहाँ पर आप देखिए कि पैसे की बात हो रही है और कहाँ जाना है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ आपको अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना है वो आपका एक डेस्टिनेशन है। लेट सपोज मुझको आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए मुझको कुछ टाइम देना पड़ेगा। पहली वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, मैं बस भीड़ का हिस्सा बना हुआ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं। क्या वो कभी भी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे केस में आपने देखा कि उसको देहरादून से दिल्ली जाना था, उसको पता था, उसने प्राइस पे करा और वो चला गया। इस केस में उसको पता था कि मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ जाना है और कितना टाइम मुझे देना पड़ेगा, मतलब कितने पैसे मुझे देने होंगे, उसको सारा चीज़ें पता थी और वो चला गया। तीसरे केस में मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना तो है लेकिन मुझे कितना टाइम पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझको नहीं पता, मेरे पास है भी नहीं, मैं नहीं कर सकता मेहनत, लेकिन मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकता। क्या उस केस में वो आईपीएस ऑफिसर बन पाएगा? और चौथा केस जो था वो ये था कि मुझे देहरादून से दिल्ली जाना तो है, मेरे पास पैसे भी हैं लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो 90% जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास टाइम तो बहुत होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, लेकिन वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो अपना टाइम जो है वो किसी और चीज़ में, व्हाट्सएप में वेस्ट करेंगे, फेसबुक में वेस्ट करेंगे, घूमने में वेस्ट करेंगे, लेकिन अपने ड्रीम तक पहुँचने में वो खर्च नहीं करते। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर आप खर्च नहीं करेंगे टाइम को तो आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक का जो निचोड़ है वो ये है कि टाइम इज
मनी। ठीक है, टाइम तो देना ही पड़ेगा अगर आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है। धन्यवाद दोस्तों।